जैन साथियों, स्वागत है आपका वर्दी के दीवाने फिजिकल एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक और बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो कि 2020 की बहुत बड़ी भर्ती है। जो कि रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर ये बात करें तो ये BSF इसको करा रहा है। इसमें आपको ग्रुप B और ग्रुप C की आपको पोस्ट मिलेगी, मतलब जो इन वाटर विंग में मिलेगी, मतलब BSF में वाटर विंग में आपको इसमें पोस्ट मिलेगी, जो कि पोस्ट रहेगी SI की और हेड कांस्टेबल की। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो 317 इसमें वैकेंसीज आई हुई है, और इसमें अलग 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 पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जैसे हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में 160 वैकेंसी है, मास्टर में 56 वैकेंसी है, इंजन ड्राइवर में 68 वैकेंसी है। SI के लिए अगर मास्टर की बात करें तो 5 वैकेंसी है, SI में इंजीनियर ड्राइवर में 9 वैकेंसी है, SI में वर्कशॉप में 3 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ऑल इंडिया में आपको कहीं भी इसमें लगा सकते हैं। अप्लाई मोड की बात करें तो इसमें आपको कोई भी अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और भेजना है यहाँ पे। इसमें हम वैकेंसी की बात करें तो मतलब मास्टर के लिए, SI मास्टर के लिए 5 वैकेंसी है, और इसमें एज लिमिट जो है 22 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए आपको। इसमें 10+2 होना चाहिए और सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सेंट्रलाइज से ऑथराइज होना चाहिए। और SI इंजन ड्राइवर के लिए बात करें तो 22 साल से 28 साल आपकी इसमें एज होनी चाहिए, और इसमें 10+2 होना चाहिए और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ऑथराइज होगा सेंट्रल लेवल पे। SI वर्कशॉप की बात करें तो इसमें 20 साल से 25 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए। आपके इसमें इंजीनियर डिग्री होना चाहिए, वो भी मैकेनिकल ब्रांच से। हेड कांस्टेबल मास्टर की बात करें तो आपके इसमें 20 साल से 25 साल होना चाहिए, इसमें आपको 10+2 होना चाहिए और सेरंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की बात करें तो 20 साल से 25 साल इसमें एज होनी चाहिए, आपके इसमें 10+2 होना चाहिए और प्रोसेसिंग सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर इसमें होना अनिवार्य है। और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप ट्रेड की बात करें तो 20 साल से 25 साल एज होनी चाहिए, और मतलब मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए 10+10 होना चाहिए आपकी, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपको इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिक की बात करें डीजल और पेट्रोल इंजन की, तो इसमें 20 साल से 25 साल इसमें एज होना चाहिए आपको, 10+2 होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपका इसमें डिप्लोमा होना कंपलसरी है। और CT क्रू की बात करें, 20 साल से इसमें 25 साल एज होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब ऑपरेशन इन बोट में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो ये लास्ट डेट मतलब जिस दिन ये पब्लिश हुआ है उसके 30 दिन तक ये चलेगा, मतलब इसके अंदर अंदर आपको भेज देनी है। इसमें फ़ीस बात करें, SI के लिए आप भरोगे तो 200 रुपये इसमें DD आपको बनवानी पड़ेगी, और बाकी हेड कांस्टेबल की करोगे तो आपको इसमें 100 रुपये भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, www.bsf.nic.in में जाके आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।